नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका फिर से स्वागत है। आज हम टमाटर का अचार बनाएंगे, चाहे उसे आप टमाटर की चटनी कह लीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है। थोड़ा खट्टा मीठा बनाएंगे। अगर आप इसे अच्छे से स्टोर करेंगे तो फ्रिज में कई महीनों तक ख़राब नहीं होगा और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आइए इस टेस्टी सी रेसिपी को बनाते हैं। तो ये देखिए, इसके लिए मैंने बिल्कुल लाल पके हुए टमाटर लिए हैं आधा किलो, और उनको इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और इसमें मैंने काफ़ी सारा लहसुन लिया है और इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक काट लिया है। मसालों में ये देखिए, एक चम्मच जीरा है, एक चम्मच राई है, एक चम्मच कलौंजी है, और बहुत थोड़े से मेथी दाने डाले हैं, और एक चम्मच सौंफ ली है, एक चम्मच नमक है। थोड़ी सी हम कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे, और पिसा हुआ पाउडर लेंगे, और हल्दी पाउडर लेंगे, हींग डालेंगे, और बहुत आधी चम्मच हम इसमें चीनी की डालेंगे। या आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, गुड़ भी डाल सकते हैं, पूरी तरह ऑप्शनल है। और देखिए, एक चम्मच इसमें हम वाइट विनेगर डालेंगे, उससे थोड़े दिन तक ख़राब नहीं होगा। तो अब इसके लिए हम देखिए, थोड़ा तेल ज़्यादा ही लगेगा, अचार है तो ये, और सरसों के तेल में बनाएंगे। तेल गर्म होने पर इसमें हम सभी खड़े मसाले डाल देंगे, जीरा है, राई है, कलौंजी है, और सौंफ, और हींग डालेंगे, और यहीं पर हम लहसुन डाल देंगे। और अब लहसुन को हम अच्छे से ब्राउन होने तक कि इसका मॉइस्चर पूरा निकल जाए या ऊपर आ जाएगा तैर के, तब तक कुक करेंगे। और फिर इसमें हम टमाटर डालेंगे, तो इसे अच्छे से मिलाएंगे, और एक बार हम इसे ढक देंगे ताकि जो भी टमाटर का पानी निकलना है वो निकल जाए। इसके बाद इसे हम खुला ही कुक करेंगे, बिल्कुल ढकेंगे नहीं। तो मसाले डाल देंगे हम, कुटी मिर्च और हल्दी और लाल पीसी मिर्च। अब नमक डाल देंगे, और इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, कम नहीं करनी है फ्लेम, थोड़ा ज़्यादा की तरफ ही रखनी है, और बीच बीच में इसे दबाते हुए पकाते रहेंगे। अब ये देखिए, थोड़ा तेल छोड़ दिया है, तो इसमें चीनी डाल देंगे हम, और इसे हम चमचे से ही दबाते हुए मैश कर लेंगे, और इसे बिल्कुल तेल छोड़ने तक कुक करेंगे। देखिए, इसका पूरा मॉइस्चर निकल गया, तेल छोड़ दिया है इसने अच्छे से। तो ये चटनी हमारी और अचार रेडी है। अब इसमें हम विनेगर डालेंगे, इससे थोड़ा प्रिजर्व रहेगा और टेस्ट भी आएगा। तो इसे आप ठंडा होने के बाद एक अच्छे से जार में डालिए और फ्रिज में रख सकते हैं, कई दिनों ये ख़राब ना होगा। तो इस टेस्टी से अचार की रेसिपी को बनाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें।